महंगाई के खिलाफ आज बाजार में सिट्टू के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। हमीरपुर बाजार में सिट्टू कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर सिट्टू राष्ट्रीय सचिव ठाकुर कश्मीर सिंह की अगुवाई में लोगों ने महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन किया और उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की कि जल्द महंगाई पर लगाम लगाई जाए ताकि आम लोगों की परेशानी को दूर किया जा सके। सिट्टू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ने कहा कि आज के समय में पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। लोग आए दिन इसके कारण परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने सरकार से पूछा कि अपने चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के काम सरकार कर रही है, लेकिन सरकार को जनता की परवाह नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि महंगाई को कम करें और पेट्रोल और डीजल के एक्साइज को कम किया जाए, साथ ही डिपो में राशन की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसे भी कम किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द जनहित के फैसले नहीं लिए तो सरकार को आगामी दिनों में लोग आईना जरूर दिखाएंगे। वामपंथी पार्टी और सीएचयू के आह्वान पर आज पूरे देश में हिमाचल हमीरपुर में भी हम महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और मालूम है कि जब से बीजेपी सरकार आई तब से पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि ये आम जनता की कौन से बात हो गया है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, प्रदेश सरकार ने वैट बढ़ा दिया और उसकी वजह से आज पेट्रोल डीजल जो है 90 रुपये के आसपास बिक रहा है और इससे महंगाई बढ़ रही है। दूसरी बात है रसोई गैस की कीमत जब 350 रुपये थी जब ये सत्ता में आए थे, आज वो 900 के करीब पहुँच गई और आम जनता की पहुँच से बाहर हो गई। और ये प्रदेश सरकार के मंत्री MLA आजकल वो फ्री LPG कनेक्शन बांट रहे हैं। ये कनेक्शन बांट जरूर है, अच्छी बात है, परंतु ये दोबारा जिन लोगों को बांट रहे दोबारा गैस का सिलेंडर भरवा नहीं पाएंगे लोग। उनकी आर्थिक दशा ऐसी है कि डिपो में जो राशन मिलता था उस राशन में और बाजार के राशन में कोई फर्क नहीं रह गया। 160-170 रुपए की तेल की बोतल जो है सरसों के तेल की बाजार में मिल रही है, वही बोतल जो है आपके डिपो में मिल रही है, थोड़ा बहुत फर्क है उसके अंदर। बाकी राशन के जो रेट हैं वो भी बड़े हैं। ये सरकार अपनी तिजोरियाँ भर रही है। पिछले लगभग कोरोना पीरियड में 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा सरकार ने पेट्रोल डीजल से कमाया है और ये पैसा कहाँ जा रहा है? लोगों तो अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो जेब में पैसा तब आएगा आप अगर आप मनरेगा करेंगे। हम मांग कर रहे हैं कि 7,500 रुपये पर मंथ जो है लोगों को दो जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। सरकार वो नहीं कर रही, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लुटा रही है पैसा। इसलिए जो है आज महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन है। हमारी मांग है कि आप महंगाई को कंट्रोल करो, एक्साइज ड्यूटी कम करो पेट्रोल डीजल पर, वैट कम करो और इसके साथ साथ जो है जो डिपो में राशन मिलता है वो राशन सस्ता करो ताकि गरीब आदमी जिंदा रह सके और आम जनता को राहत पहुंचाई जाए। नहीं होगा तो सरकार आईना दिखा, लोग आईना दिखाएंगे और सरकार को जैसे लोगों ने पहले धराशायी किया है महंगाई के सवाल पर, पहले भी इस सरकार को धराशायी कर देंगे। जुमले ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, भाषण ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं,